सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्रीडिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। तो हेलो दोस्तों, फिर से अखिल फ्रीडिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आज हम आपको एयरटेल की डिश सेट करके दिखाने वाले हैं और उसका प्रॉपर सिग्नल किस तरीके से लेना है वो भी हम आपको दिखाएंगे और किस जगहों पे फिट करना है और किस जगहों पे फिट नहीं करना है वो भी दिखाएंगे हम। यहाँ पर दोस्तों जो ईट होती है वो ढीली ढाली होती है, इस वजह से हमने ये कॉन्क्रीट का जो कॉलम है उसके ऊपर फिट करके दिखा रहे हैं हम आपको। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर फिटिंग कर दी है हमने और इस बात का ख्याल रखना पड़ता है आपको। यहाँ पर से देख सकते हैं आप, ये सलिया जो होता है उसको छोड़ के आपको बाजू ड्रिल करना पड़ता है, नहीं तो आपकी जो ड्रिल मशीन की बीट होती है वो टूट जाती है, उस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। देख सकते हैं आप, तो जब भी आप ड्रिल करें तो देख के करें दोस्तों सलिए। तो यहाँ पर आप हम आपको बताएंगे इसका जो लोकेशन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप सामने वाली वीडियोकॉन की डिश है तो उस तरीके से देख के इसे फिट करना होता है आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो बीट है, ड्रिल की जो बीट है तो 6 mm की बीट है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, उसका नंबर भी दिखा रहे हैं हम आपको। तो इस तरीके से ये बीट हो जाती है दोस्तों। ये हैमर ड्रिल है और ये रिवर्स फॉरवर्ड भी है, बहुत ही बेहतरीन ड्रिल है मेरे कहने, उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ये स्क्रू जो है किया तो उसका जो यूज़ किए तो ये उसका भी नंबर दिखा रहे हैं हम यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जो ग्रिप है इसका भी बॉक्स बता रहे हैं हम यहाँ पर स्क्रीन पे दोस्तों, जो कि आपको लोकल में जहाँ मिल जाए तो ये यूज़ करिए आप। तो दोनों भी बहुत ही परफेक्ट फिट हो जाती है, इसकी भी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है, जो कि हमारे 10 इंच के नट बोल्ट होते हैं तो वो उससे भी बेहतरीन फिटिंग होती है इसकी और ये बहुत अच्छी फिटिंग हो जाती है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने ड्रिल मशीन के आगे ये लगाया वाला है यहाँ पर जुगाड़, तो इसकी भी बारे में हम आपको पूरा एखाद वीडियो में आपको पूरा बताएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से जुगाड़ है यहाँ पर, ये सामने इस तरीके से लग जाता है और इसमें आपका स्क्रू जो होता है तो वो भी अच्छी तरीके से टाइट हो जाता है। और ये रिवर्स फॉरवर्ड ड्रिल मशीन है, ये बहुत ही बेहतरीन है और ये चाइनीज़ कंपनी की है मगर बहुत अच्छी चलती है। और ये यूरिका मीटर हमारा देख सकते हैं आप, इसी पर हम आपको डिश सेट करके दिखाएंगे वो भी जल्दी से। देखिए दोस्तों कितने जल्दी डिश होती है फिट, बहुत मुझे कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं, हमारे एयरटेल की डिश फिट नहीं हो रही है, सिग्नल नहीं आ रहा है प्रॉपर, तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं इस वाले वीडियो में। ये थोड़ी पन्नी पुरानी हो गई थी, जैसे कि मैंने नया मीटर निकाला है हूँ देखो यूज़ के लिए। और इस पर हम आपको TPP भी दिखा रहे हैं और आपको यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही बढ़िया मीटर है ये यूरिका। आप डिश फिटिंग का काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा काम अच्छा करता है हर एक सिग्नल पे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, TPP भी एयरटेल के दिखा रहे हैं हम आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप, आपके सेटअप बॉक्स में भी आप ये TPP डाल के ऐड करके और आपका सिग्नल ले सकते हैं एयरटेल का, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि ये मीटर भी होना है आपको। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा डिजिट कर दिया है हमने और यहाँ से ये डिश उठाते हैं हम और इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं जिस तरीके से हमेशा लगाते हैं। और दोस्तों आपको परफेक्ट सिग्नल आने के लिए ये जो उसका जो डंडा होता है वो सीधा फिट करना होता है, जो ब्रैकेट होता है। तो ये अभी दिखाते हैं हम आपको सिग्नल किस तरीके से आ रहा है यहाँ पर। तो एयरटेल के जो सिग्नल होते हैं दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसका LMB का स्क्रू एंगल ठीक से रखना चाहिए आपको जब भी आप सेट करें डिश। तो देखिए यहाँ पर इसका स्क्रू एंगल इस तरीके से होता है, जब जैसे घड़ी में 8 बजते हैं वहाँ पर रखना चाहिए आपको। और इसका जो लोकेशन है वो आपको दिखाते हैं, 108 डिग्री पे आता है ईस्ट में दोस्तों ये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके फुल सिग्नल मिल रहे हैं हमें बहुत ही जल्दी से और आपको प्रॉपर सेट करके दिखाते हैं हम किस तरीके से इसे सिग्नल आपको करना है। थोड़ा थोड़ा हिलाना है, एक जगह जब सिग्नल आ जाते हैं तो थोड़ा नीचे ऊपर करने पे बहुत ज़्यादा सिग्नल मिल जाते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा सिग्नल मिले हैं वो आपको दिखाते हैं मीटर में। और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, थोड़ा भी हमने कट नहीं लगाया है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये एकदम रियल आपको वीडियो बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ऐसे सिग्नल मिल रहे हैं हमें यहाँ पर और प्रॉपर सेट करके दिखाते हैं हम यहाँ पर दोस्तों। हमें 67 मिल रहा है मगर हमें इससे भी ज़्यादा कुछ सिग्नल होना चाहिए ताकि हमारे जो डिश है दोस्तों
थोड़ा बहुत पानी आने के बाद भी थोड़ा अच्छे तरीके से चले, तो इसे हम सेट करते हैं, आपको दिखाते हैं, पूरा देखिए वीडियो। और जब भी सिग्नल आ जाए थोड़े बहुत, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो एकदम से हिलाने पे पूरे सिग्नल चले जाते हैं, देख सकते हैं आप। तो थोड़ा थोड़ा से हिलाए, ज़्यादा ना हिलाए डिश को, और लेफ़्ट राइट में तो बिल्कुल ज़्यादा ना हिलाए, थोड़ा थोड़ा सा MM जैसा होता है उस तरीके से हिलाए, तभी सिग्नल आते हैं, अच्छे से बढ़ जाते हैं बाद में। ये नट बोल्ट है, इसे भी हम आपको थोड़ा थोड़ा टाइट करके दिखाते हैं, ज़्यादा एकदम से टाइट नहीं करना है, एकदम से टाइट करें तो फिर पूरा ही आपका डिश मूव करता नहीं, जैसे हिलता नहीं थोड़ा भी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हम लाते रहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसे दोस्तों जैसे कि 65-70 पे भी सिग्नल आ गए तो वो भी चल जाते हैं, उस पर भी डिश आपकी चालू हो जाएंगी, मगर बाद में प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपका जब भी थोड़ा भी वेदर प्रॉब्लम हो जाए, जैसे बरसात आ जाए, तो जब आपको सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आप, प्रॉपर सिग्नल मिल गए हमें यहाँ पर, और हमें से डिश को अच्छे से फिट कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों प्रॉपर सिग्नल मिल जा रहे हैं हमें यहाँ पर, 97, 98 और 99 तक मिल गए हमें सिग्नल। ये थोड़ी बहुत मेहनत करने पे मिल जाते हैं, एक जगह से हिलाना नहीं, थोड़ा नॉर्मल हिलाने पे आपको सिग्नल बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, या तो आपको थोड़ा बहुत LMB घुमाना पड़ता है, थोड़ा सा नॉर्मल सा। तो ये देखिए दोस्तों पूरा कंप्लीट हो गया है फिट। तो दोस्तों आप भी अगर डिश फिटिंग का अच्छे से काम सीखना चाहते हो तो दोस्तों हमारा जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको, उस पर कमेंट करना है और कॉल भी कर सकते हैं कोई बात प्रॉब्लम आता है तो आपको। और दोस्तों अगर आपको कोई सामान मंगाना है, या आपको डिश फिटिंग मीटर मंगाना है, या तो आपको ड्रिल आपको लेना है, या तो कुछ आपको स्क्रू लेना है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हमें कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।